आपने पृथ्वी की कई सारी तस्वीरों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी तस्वीर को देखा है जिसमें उसके ऊपर एक मिस्टीरियस लाल कलर की लाइन हो? स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर को मात्र 2 हफ्तों पहले कैप्चर किया गया था और इसमें पृथ्वी के कर्वेचर के ऊपर एक लाल रेखा को देखा जा सकता है। आखिर यह लाल रेखा क्या है और इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई होगी? क्या यह हमारे लिए कोई खतरा बन सकती है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। साइंस न्यूज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में भी बताने वाले हैं जो हमारी पृथ्वी से बहुत मेल खाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिक उस पर पानी तक को डिस्कवर कर चुके हैं। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। द वाटर वर्ल्ड प्लैनेट, वाटर एंड अमीनो एसिड्स। पृथ्वी के बाहर जीवन ढूंढने के लिए वैज्ञानिक कई सारी चीजों की तलाश करते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पानी। अगर किसी ग्रह पर H2O मौजूद है तो उस पर जीवन मौजूद होने के चांस खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और इसमें ऐसे केमिकल डिसॉल्व हो सकते हैं जो जीवन की फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत पानी में मौजूद अमीनो एसिड्स की वजह से हुई थी। अगर पृथ्वी पर पानी की जगह कोई दूसरा लिक्विड मौजूद होता तो शायद वह अमीनो एसिड्स ना होते, जिससे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी नहीं हो पाती। द न्यू प्लैनेट्स डिस्कवरी। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में लगातार ऐसे ग्रहों को खोजते जा रहे हैं जो पृथ्वी से मेल खाते हैं। हाल ही में हबल टेलीस्कोप द्वारा की गई एक ऑब्जर्वेशन के जरिए GJ9827D नाम के ग्रह को खोजा गया है। हैरानी वाली बात ये है कि इस ग्रह पर बहुत भारी मात्रा में पानी मौजूद है। हबल टेलीस्कोप द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा से ये पता चलता है कि यह पानी मुख्य रूप से वेपर फॉर्म यानी कि गैस के रूप में मौजूद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस ग्रह का तापमान करीब 425 डिग्री सेल्सियस है, जो हमारे सौरमंडल में मौजूद वीनस के तापमान के बहुत नजदीक है। ट्रोटियर इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एक्सोप्लैनेट्स संस्था के एक वैज्ञानिक बताते हैं कि यह पहली बार है जब उन्होंने इतनी सटीकता से एक वाटर वर्ल्ड की डिस्कवरी की है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वाटर वर्ल्ड आमतौर पर उन ग्रहों को कहा जाता है जिन पर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। भले ही GJ9827D पर पानी गैस के फॉर्म में मौजूद हो, लेकिन इसके जरिए हमें ये पता चलता है कि दूसरे तारों के ऑर्बिट में भी पानी वाले ग्रह मौजूद हो सकते हैं। सिमिलैरिटीज बिटवीन यूरोपा एंड दिस प्लैनेट। इस ग्रह के बारे में एक और यूनिक बात ये है कि इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस बहुत भारी मात्रा में मौजूद है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह प्लैनेट नेपच्यून के छोटे रूप जैसा हो सकता है, जिसका वातावरण हाइड्रोजन रिच है। वैज्ञानिकों की एक दूसरी टीम के मुताबिक यह ग्रह नेपच्यून से ज्यादा जुपिटर के चांद यूरोपा से मेल खाता है। ऐसा बताया जाता है कि इस चांद की बर्फीली सतह के नीचे लिक्विड वाटर का एक ओशन मौजूद है। कुछ ऐसा ही इस ग्रह के लिए भी सच हो सकता है। शायद अपने तारे के नजदीक होने की वजह से GJ9827D का यह समुद्र भाप में कन्वर्ट हो गया हो और वायुमंडल में जाकर इकट्ठा हो गया हो। फिलहाल वैज्ञानिक इस प्लैनेट पर और ज्यादा स्टडीज को कंडक्ट कर रहे हैं। हबल टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की जाने वाली लाइट के जरिए वैज्ञानिक इस ग्रह के वायुमंडल में मौजूद मॉलिक्यूल्स का पता लगा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रहों के वायुमंडल में मौजूद एलिमेंट्स को पहचानने का यह तरीका स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। मून लैंडिंग बाय चाइना। 2023 से पहले दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे देश थे जिन्होंने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। आज 2024 की शुरुआत में इन देशों की संख्या 3 से बढ़कर 5 हो चुकी है। 2023 में इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर सक्सेसफुली उतारा था और भारत को चांद पर सॉफ्ट लैंड करने वाला 4th देश बना दिया था। हाल ही में जापान की स्पेस एजेंसी ने भी अपनी स्पेसक्राफ्ट को चांद पर लैंड कराया था। चाइनाज चेंगा 7। इस लूनर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नासा 2024 में अपना मून मिशन लॉन्च करने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, नासा के बाद चीन की स्पेस एजेंसी चेंगा 7 नाम के स्पेसक्राफ्ट को चांद पर उतारेगी। फिलहाल इस मिशन की लॉन्च डेट 2026 में बताई जा रही है और चीन ने इस स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग लोकेशन को भी रिलीज कर दिया है। चांद पर कई सारे गड्ढे मौजूद हैं जो अतीत में हुए एस्टेरॉयड इंपैक्ट्स की वजह से फॉर्म हुए हैं। इन गड्ढों को क्रेटर्स कहकर बुलाया जाता है। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर में आप चांद के एक बहुत ही फेमस क्रेटर को देख सकते हैं जिसका नाम है शेकल्टन क्रेटर। लैंडिंग लोकेशन शेकल्टन क्रेटर। तस्वीर में देखने पर ये भले ही बहुत मामूली लगे, लेकिन ये एक बहुत ही गहरा गड्ढा है। चीन के वैज्ञानिक बताते हैं कि वह इस गड्ढे की रिम यानी बाउंड्री में अपनी स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराएंगे। ध्यान देने वाली बात ये है कि यह क्रेटर चांद के साउथ पोलर रीजन में मौजूद है। इस एरिया में वाटर आइस के मिलने के चांस बहुत हाई बताए जाते हैं। 2008 में चंद्रयान 1 पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना था जिसने चांद की सतह पर पानी की सॉलिड खोज की थी।
तब से ही अलग अलग स्पेस एजेंसीज चांद पर अपना बेस बनाने की प्लानिंग कर रही हैं। इस प्लानिंग को सक्षम बनाने में सबसे आगे अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा है। अ मून बेस। हैरानी वाली बात यह है कि चाइना भी बहुत तेज रफ्तार से लूनर बेस बनाने की ओर बढ़ रहा है। चेंगा 7 के बाद 2028 में चेंगा 8 नाम के स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा, जिसका काम होगा साउथ पोलर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालिसिस। आसान भाषा में कहें तो इस मिशन के जरिए चीन के वैज्ञानिक चांद के साउथ पोल पर मौजूद एलिमेंट्स को इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढेंगे। चीन द्वारा प्लान किए जा रहे लूनर बेस को ILRS का नाम दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लूनर रिसर्च बेस। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अभी ऐसे देशों की तलाश कर रहा है जो इस मिशन में उसके साथ पार्टनरशिप करें। फिलहाल इजिप्ट ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने ILRS की पार्टनरशिप के लिए हाँ बोला है। चेंगा 7 मिशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन होने वाला है, क्योंकि यह ILRS बनाने की एक बेसिक नॉलेज को कलेक्ट करेगा। चीन एक ऐसा देश है जिसके लूनर स्पेस मिशन बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन वह नासा के मिशन की तरह मेन मीडिया में ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाते। एयर ग्लो ISS। क्या आपने कभी यह सोचा है कि इंसानों द्वारा बनाई गई आज तक की सबसे महंगी चीज क्या है? खैर, आपको अपने दिमाग के घोड़े भगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जवाब है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले इस आधुनिक स्टेशन की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। आमतौर पर इसके अंदर करीब 6 एस्ट्रोनॉट मौजूद रहते हैं जो रिसर्च एंड स्टडी करते हैं। इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कई सारे कैमरे भी लगे हुए हैं जो पृथ्वी के कर्वेचर और उसके वायुमंडल में होने वाली गतिविधियों की तस्वीरें खींचते रहते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर को 21 जनवरी के दिन कैप्चर किया गया था। इस तस्वीर में आप पृथ्वी के ऊपर एक लाल रंग की धुंधली रेखा को देख पा रहे होंगे। इस फेनोमेना को विज्ञान की भाषा में एयर ग्लो कहा जाता है। इसकी फॉर्मेशन वायुमंडल में मौजूद गैसेस के सनलाइट से टकराने की वजह से होती है। जब सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें इन पार्टिकल्स के ऊपर पड़ती हैं, तो इनकी एनर्जी बहुत बढ़ जाती है और यह चमकने लगते हैं। इसी चमक को तस्वीर में दिख रहे एयर ग्लो में देखा जा सकता है। फ्लैट अर्थर्स कंट्रोवर्सी। इस तस्वीर के इंटरनेट पर वायरल होने के बाद कई लोग फ्लैट अर्थर्स को भी ट्रोल कर रहे हैं। फ्लैट अर्थर्स उन लोगों को कहा जाता है जो ये मानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं बल्कि चपटी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे लोगों की संख्या आज भी बहुत ज्यादा है, और इनमें से ज्यादातर लोग अमेरिकन नेशनैलिटी के हैं। तस्वीर में पृथ्वी के कर्वेचर को क्लियरली देखा जा सकता है, लेकिन फ्लैट अर्थर्स यह मानते हैं कि नासा दुनिया को बेवकूफ बनाता है और पृथ्वी असल में चपटी ही है। खैर, ISS द्वारा ली गई यह तस्वीर पृथ्वी की सतह से 415 किलोमीटर ऊपर कैप्चर की गई थी। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि अंतरिक्ष की शुरुआत समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। अंतरिक्ष और पृथ्वी को बांटने वाली रेखा को कार्बन लाइन कहा जाता है, और इस पर हम ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग साइंस न्यूज। आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग साइंस न्यूज कौन सी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।